वीडियो देखने वाले सारे भरावां नूं मेरे वल्लों गुड मॉर्निंग जी। राती बोट हाउस दे विच रुके सी ते हुण उठे आ ते फोन दा चार्जर जिहड़ा हैगा अपना बोट हाउस चों पाणी च डिग गया जी। अडैप्टर उहदा डिग गया, हुण नवां लैणा पऊ ते चल्लिआं मार्केट नूं अडैप्टर लैण। ते उस तों बाद आपां आ के लेक दे उपर घूमदे आ। मौसम बहुत वधिया, बहुत नज़ारा आने वाला गा, सो बाद दे विच टाइम नहीं लगना, इस करके पहला आपां अडैप्टर लैण चले आ मार्केट नाले। आपां देखदे आ इत्थे दा बाज़ार ते एक सिटी मॉल भी हैगा, वह भी देखांगे। ते आजो लै चलिए तुहानूं अगे। असीं आए आ मार्केट लाल चौंक कहिंदे आ इहनूं, लाल चौंक दे विच आए होए आगे। ते इह मार्केट है इत्थों दी, शॉपिंग शूपिंग जे किसी ने करनी होवे उधर ज़्यादा रेट ने गे, इधर रेट भी घट ने गे, वधिया चीज़ां मिलदियां ने। एटीएम है इत्थे, एटीएम तो तुहानूं जगह जगह मिल जाणगे अपने श्रीनगर दे विच। ये साडा भाई हैगा सानूं मिलिया, सत श्री अकाल पाशा, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। इहने सानूं इत्थे दी काफ़ी नॉलेज दित्ती है कि किधर जाणा, किधर घूमना गा, ये इत्थे जॉब करदा गा। डल हाउस दे विच साडे फोन दा, मेरे आईफोन दा अडैप्टर डिग गया, ध्यान रखियो अडैप्टर लैन आए हैं। ये भाजी की शॉप आ गई, सारे फोन वगैरह पार्ट इतों लिंक वाले ने, लाल चौंक के मिलने तो सारे इन्हों को ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ा मिलदिया ने गिया। तो उन्होंने अडैप्टर लिया, तो ध्यान रखियो तुसी भी फोन अडैप्टर अगर डल हाउस से रुकना तो ध्यान ना उसको बाहर कढ़ियो। थैंक यू। ये रहा जी इत्थे दा सिटी वॉक मॉल, ये श्रीनगर का मॉल आ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੌਲ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਵਾਕ ਮੌਲ, ਵਧੀਆ ਵੱਡਾ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੁੱਪੜਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ। ये मॉल आ बहुत वधिया, बहुत खूबसूरत आ, रात नूं लाइटिंग दे विच होर भी वधिया लगदा। ये देख सकते खूबसूरत बहुत आ श्रीनगर, जिद्दां मज़ा आ जांदा ना, कहिंदे मज़ा आ जांदा। हाँ जी दोस्तों, आप खड़े हैं डल लेक ते, ते आप चले हैं, इन्हें शिकारा बोलते हैं, शिकारा राइड पर चलें बोट च बह के, तो ये घुमा के लिया आपू पाँच छः जगह पर जाके जाएंगे। तो जिते बिच लेक के बिच ही मार्केट आँदी आ, गार्डन आते हैं गे, तो अगे गोल्डन लेक आँदी हैगी, नहरू गार्डन है वो दिखाते हैं, तो ये सारी जगह का इंजॉय कर देंगे। तो इतने तो काफ़ी पैसे मंगणगे, तो तुम बारगेनिंग कर लियो, ਤੁਹਾਡਾ 350-400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੂਗਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਡ ਅੱਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਦੀ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ लेक दे विच ही तुहानू सारे जिन्ने भी बंदे बिजनेस करन वाले ने सारे मिलणगे। ये भाई अपने फोटोआं खिच्चण दा बिजनेस करदे ने, भी बोट दे विच बह के फोटोआं खिचाओ, ते सारयां दे अपने अपने बिजनेस इदां ही चलदे ने, किसे दा खाने दा, किसे दा की आ, है ना। आ नाल नाल सारे होटल बने हुए ने, आ तुहानू पहलां दिखाईआं सी, आपां रहे सीगे बोट हाउस दे विच, ये ओह चीज़ां नेगियां। ठीक है भाजी, इह दस्सो इह वी आता है सर, ये देखो तुहानू इह वीर अपने लेडीज का नैकलैस वगैरह भी सेल करते हैं, भी तुम्हें लेक के हर तरह का बंदा मिलना जी, इतने हर बंदा बेचारा अपना बिजनेस करता है। हाँ देखो सब चीज़ा इदा कली कली हर एक चीज़ मिलू तुम्हें लेक के। हाँ जी आप लोटस गार्डन है, इदा इतने कमल के फुल खिले हुए हैं, आ देखो अजे रुत्त घट आ, थोड़ी थोड़े खिल रहे हैं, इतने थोड़ी
दिन होर थोड़े जगे जाने तो ये बहुत ज़्यादा खिड़ जाने ने, तो सारे इतने कमल के फुल खिलते ने। एक गोल्डन लेक है जी, इतने लकड़ी का समान वगैरह वेचण आते हैं गे बेच बोटा के, तो सारा इतने हाथ का बनया समान आ। गोल्डन लेक इस करके कहा जाता, बस इतने थोड़िया बोटा ने जिहड़ियां हाउस बोट वो थोड़िया ज़्यादा वधिया ने गियाँ भी, वधिया कह सकते कहते हाथ नाल काम किया बोटा के उपर, तो हाथ नाल काम करे करके इनू डीलैक्स कहते हैं, तो गोल्डन लेक कहते हैं, सारा गोल्डन वर्क किया हो। देखो इतने सारे समान वेचना भाई आया अपने को, सारे इदा लेक दे विच ही चलता गा ये समारा समान वगैरह। देखो ये क्या टेबल पर रखने के लिए, ड्राई फ्रूट के लिए ना। कितने का है भैया जी? 1250। ओके ओके, बहुत वधिया चीज़ा ने जी ये बनिया हुई, तो देख सकते तुसी। आ देखो बोट चलाने का बहुत एक्सपीरियंस है, इन्होंने बेच नहीं लगन देंगे, इन्हू कहते ये गोल्डन लेक आ गई। ये जगह ओपन डल लेक बोलते हैं जी, ये ओपन डल लेक आ। ओपन डल लेक तां कहा जाता भी ये बहुत वड्डी आ, खुली जगह ते आ, इत्थों जगह काफ़ी खुली डुली आ जाती है, इस करके ओपन डल लेक कहा जाता। ये अपना तीसरा पॉइंट आ गया, तीसरा गोल्डन लेक देख लिया, आप लोटस गार्डन देख लिया, ओपन डल लेक देख ली। ये डल लेक दे विच नहरू पार्क है जी, ये अपनी बोट ने अपन इत्थे लिया के उतारता, तो पार्क बनी हुई है, रेस्टोरेंट हैगा, इदा दी पार्क है, लिखा भी होया नहरू पार्क। ये डल लेक दे विच बनी हुई है विचकार, आ गुलाब दे फुल, ब्रिज, काफ़ी चीज़ा ने इत्थे भी बहुत सोहने। ये नहरू पार्क, लोग इत्थे आके उतरते ने, तो इत्थे बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स करते ने गे। वो सामने डल लेक का पोस्ट ऑफिस आ जी, ये पोस्ट ऑफिस बनया हुआ लेक दे विच ही। ये आ गया डल लेक, काफ़ी वधिया लगता इत्थे भी, फील वधिया हुंदा, बहुत सोहने सोहने ब्रिज बने ने, फुल देखो तुसी गुलाब दे फुल बहुत खिड़े हुए ने, इदा ब्रिज बने हुए ने। बस ये इन्नी की आ छोटी जी, इदा लोग इतने कपड़े पाते ने, कश्मीरी कपड़े पा के फोटो भी कराते हैं। चलो अगे देखते हैं की है जी, मिलते हैं। ये मार्केट आ गई जी लेक दे विच, ओके इतने शॉल वगैरह सारे, हाँ ये सारे हाथों नाल बन दिया ने चीज़ें इतने, तो शॉपिंग कर सकते हो तुसी, ज़्यादा समान लेडीज़ का ही होंगे जी, जेंट्स का तो रेडीमेड ही होंगे गा, लेडीज़ वाला शॉल शूल काफ़ी चीज़ा हाथों नाल बन दिया नहीं, तो लोग इतने शॉपिंग करते उतर के, तो मार्केट के अंदर घूमते आप। चाह की स्टाल भी लगी हुई है, मैगी मूवी मिलती है, हर चीज़ मिलू थानू डल लेक दे विच, हर चीज़। आ देखो आ कारपेट वगैरह है ना, रूम मैट वगैरह सारे इत्थे मिलते ने आपां नूं, ये सारी मार्केट आ।
इत्थे तुहानूं अखरोट वगैरह मिलणगे, अखरोटां दीआं दुकानां वी हैगीआं ने, ड्राई फ्रूट दीआं। ते इहदे विच ही आ सब्जी दे खेत आ जांदे ने जी, सब्जी लगी हुई आ। ते आ देखो सब्जी वेचदे वी फिरदे ने, आ सब्जी वेच रहे ने। ते हुण सानूं विचारा फ्रूट वगैरह वेचण लई पुछूगा। हाँ जी हाँ जी, वधिया वधिया। ते ये देखो ये सारे आ सब्जी लगदी आ इधर। आ मीना बाजार आ गया जी, अगे लेक दे विच ओही दुकानां नूं घुमा फिरा के ये बाजार बनाए हुए ने इन्हां दे। यही कपड़े दुकानां नूं मार्केट कहिंदे, मार्केट से चलेंगे आगे फिर मीना बाजार, इहनूं ही ये मीना बाजार बोलदे आ। यही सब चीज़ां ने। लो जी ये मीना बाजार लंघ चले आपां हुण। ਕਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਆ ਇਹ? ਫਲੋਟਿੰਗ ਗਾਰਡਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਨੇ ਗਿਆ ਖੇਤ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤਣੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇਹ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਗਾਰਡਨ। ਬਸ ਆ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਆ ਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਫਲੋਟਿੰਗ ਗਾਰਡਨ। ਆ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡੱਲ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੈੱਜ ਔਰ ਨੋਨ ਵੈੱਜ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਲੇਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਢਾਬਾ ਇਹ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਨੋਨ ਵੈੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਵੈੱਜ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਵੈੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੱਲ ਲੇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਡ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਵਧੀਆ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਇਹਦੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।